आपको भी कभी लगा है कि जीवन जीने का कोई मकसद नहीं रह गया, या फिर इस पेंडेमिक के दौरान आपको भी लगा हो कि जिंदगी रुक सी गई है, आगे कैसे बढ़े? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। एक कहावत है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि बेशक देरी से हो मगर जीत ज़रूर होती है। जीवन जीने का नाम है ठोकरें खाना, मगर हमारी जनरेशन की एक दिक्कत है, हमसे ठोकरें खाई नहीं जाती। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में साउथ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। करियर इश्यूज़, लव लाइफ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, कोई भी इशू हो, सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता। और यही हमें सिखाते हैं उदयवीर जी, द रियल हीरो ऑफ इंडियन आर्मी। उदयवीर जी एक आर्मी ऑफिशियल रह चुके हैं, उनके संघर्ष और हिम्मत को देखते हुए उनका नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सम्मिलित है। यही नहीं, दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका जीवन इतना प्रेरणादायक रहा कि मेवाल फिल्म्स ने अब उन पर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मैं उदयवीर सिंह यादव कोर ऑफ सिग्नल्स में नायक के पद पर तैनात था। मेरे साथ ही हादसा हो गया और मेरे दोनों पैर चले गए। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो सभी के जीवन में होती हैं, किसी के साथ छोटी प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। आप उस प्रॉब्लम से अपना ध्यान एकदम हटा दीजिए और एक टारगेट चुन लीजिए कि मेरे को ये टारगेट पाना है। तो मेरा भी यही उद्देश्य था। जब मैं ऐसी पोजीशन में आ गया तो मैंने अपने कंपटीशन के ऊपर ध्यान दिया और डिसेबिलिटी को मैंने कहीं पर भी आड़े आने नहीं दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। एक दिन मेरे को ये सफलता ज़रूर मिली। हर एक रात के बाद में एक सवेरा होता है। हॉस्पिटल में जाके मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के दोनों पैर चले गए। उसमें मुझे देख के ऐसा लगा कि अब मेरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। सेना से घर आने के बाद में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जय हिंद। वीर जी ने 19 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की थी। 9 साल तक देश की सेवा करने के बाद एक हादसे में उन्होंने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। ये हादसा सितंबर 97 में तुगलकबाद यार्ड में एक शंटिंग के दौरान हुआ। ज़रा सोचिए, आपकी दोनों टांगे ना रहें। जो सोच के ही हमें डर लगता है, उदयवीर जी ने उस चीज़ को सहा, और सिर्फ सहा नहीं, लड़े भी और जीते भी। शायद ज़िंदगी उदयवीर जी के हौसले और हिम्मत से वाकिफ नहीं थी। मेडिकली अनफिट घोषित किए जाने के बाद 99 में उन्हें आर्मी से वापस घर भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कृत्रिम पैरों के सहारे उदयवीर जी फिर खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री से MA की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी शुरू की। अप्रैल 2002 के अंदर एक बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करके उन्होंने अपने बलबूते पर SBI ज्वाइन किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने IGNOU से MSc और MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया। इसे कहते हैं ज़िंदगी जीने का जज्बा। इन सब में वो अकेले नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उदयवीर जी ने अपने नाम का मतलब सच कर दिखाया। उनके जीवन में अंधेरा आया ज़रूर, मगर अपनी मेहनत और वीरता के सहारे वो फिर से उदित हुए। उनका जीवन हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा काम उनसे डरना नहीं, उनसे लड़ना और आगे बढ़ना है। इसीलिए 12 अगस्त को जब मेवाल फिल्म्स अपने YouTube चैनल पर उन्हीं की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म उदयवीर द रियल हीरो ऑफ इंडियन आर्मी रिलीज करे तो देखिएगा ज़रूर, आपको भी जीवन जीने का एक नया जज्बा मिलेगा।